हाय, मैं पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा चेहरा एकदम चमकता रहे, हमारा चेहरा बेदाग रहे और खूबसूरत लगे। चमकाने के लिए, इसको बेदाग करने के लिए हम काफ़ी चीज़ें ट्राई करते हैं, मार्केट की चीज़ें भी लाते हैं, लगाते हैं अपने चेहरे पे। हम पार्लर जाते हैं, हम हज़ारों रुपये खर्च करते हैं, बट हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में है, हमारे किचन में है, जिसमें हमें पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर उनका यूज कर ले हम ना अपने चेहरे पे, रोज़ नहीं, दो दिन वीक में, अगर दो दिन भी आप इन चीज़ों का यूज कर लेना, तो आपको और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको महंगी महंगी क्रीमें खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपका भी चेहरा एकदम गोरा, बेदाग और निखरा हुआ लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको गोरा ही चेहरा चाहिए। जिसकी सांवली स्किन है या जिसकी थोड़ी डल स्किन है, वो भी चाहो तो अपने चेहरे को एकदम बेदाग बना सकते हो, चमकदार बना सकते हो। चेहरा गोरा होना ज़रूरी नहीं है, चेहरा चमकना ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो रेमेडी मैंने यूज की है वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। अगर आपको ये अच्छी लग जाए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल का जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी किचन में हमारी जो चीज़ें हैं उनको अपने चेहरे पे कैसे लगाएं। देखना है तो आ जाइए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है, लगभग 2 चम्मच। कच्चा दूध हमारे चेहरे पे नेचुरल ब्लीच का काम करता है और हमारे चेहरे की गंदगी हटा के उस पर चमक ले आता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हमारे चेहरे के लिए। अब इसमें हमें डालना है बेसन। बेसन लगभग हमें 2 से 3 चम्मच डालना है। अगर आप बड़े चम्मच से डालोगे तो आप 2 ही चम्मच डालना, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा करके हमें बेसन डालना है ताकि उसकी क्वांटिटी हिसाब से डालें। ये रेमेडी आप वीक में 2 से 3 बार भी लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे डेली भी लगा सकते हो। अब इसमें मैंने जो बेसन डाला है, बेसन हमारे जो रोम छिद्र होते हैं उसमें जो गंदगी होती है ना, उसको निकालता है, हमारे चेहरे की जो डेड स्किन होती है उसको निकालता है, फेशियल हेयर को निकालता है, मैल को निकालता है, जिससे हमारा चेहरा चमक जाता है। अब इसमें हमें डालना है हल्दी। जो हल्दी हम खाने में यूज करते हैं ये वही हल्दी है। जितने भी दाग धब्बे होते हैं, कट्टे पिटे के निशान होते हैं, वो सारे निशान हल्दी हमारी ख़त्म करती है। साथ ही साथ अगर हमारे चेहरे पर कोई एलर्जी होती है उसको भी ख़त्म करती है। इन तीनों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना। आपको एक कॉटन की सहायता से इसको अपने चेहरे पे लगाना है। आप चाहो तो इसे अपने पूरे बॉडी पे भी लगा सकते हो। 2 से 3 मिनट तक के इसको आपको लगाना है। अच्छे से आपको मसाज करनी है, यानी सारी मैल को स्क्रब करके निकालना है। उसके बाद इसे 5 से 6 मिनट तक के अपने चेहरे पे, अपने बॉडी पे ऐसे ही लगे रहने देना है। फिर नॉर्मल पानी से आपको वॉश कर लेना है। पानी आपको नॉर्मल रखना है, गर्म नहीं रखना है। तो ये देखिए, मैं ऐसे कॉटन की सहायता से लगा रही हूँ, आप चाहो तो फिंगर की सहायता से भी लगा लो। सभी प्रकार की स्किन वाले इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी स्किन एलर्जी है तो इसका यूज ना करना। और अगर आप पहली बार इसको यूज कर रहे हो ना, तो एक पैच टेस्ट करके देख लेना, अगर कोई इचिंग हो रही है तो ना यूज करना। ये लग चुका है और इसको 5 मिनट मैं छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं क्लीन करके आपके सामने आती हूँ। ओ, ये देखिए, मैंने अपना हाथ धो लिया है और ये कितना चमकदार हो गया है। दोनों कलर एक है लेकिन चमक देखिए, इसी तरह आपकी पूरी बॉडी पे चमक आएगी, आपके चेहरे पे चमक आएगी, ये खूबसूरत निखार देगा। डेली यूज करना, आपकी शादी होने वाली है तो ये बेस्ट उपाय है आपके लिए। मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। अगर आप 16+ हो तो इसका यूज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा। ये रेमेडी आपको इस तरह से अपने फेस पे लगानी है। वीक में 2 बार आप इसका यूज करिएगा। मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, सारी स्किन वाले इसको लगा सकते हैं। आप इसको लगाने के बाद जो भी रिजल्ट आया होगा कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।